नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों 14 जुलाई 2023 का दिन भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन रहा, क्योंकि इस दिन मिशन चंद्रयान 3 को भारत के स्पेस सेंटर एजेंसी इसरो से लॉन्च किया गया। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। तो याद रखना, मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 जो है दोस्तों, भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। तो याद रखना दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है, 14 जुलाई 2023। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों याद रखना, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है। तो याद रखना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। मिशन चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है, मतलब कहां पर उतारा जाएगा या पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 को लैंड करना है। क्या करना है? मिशन चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना, इसका उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों याद रखना, मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, LV M3 M4 इस रॉकेट से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LV M3 M4। कहीं कहीं दोस्तों आपको LV M3 भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। सी का मतलब क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन होता है। मिशन चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन है कौन सा? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसके बाद दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। तो याद रखना दोस्तों, इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं और पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 भारत के लिए चंद्रमा का तीसरा मिशन है। ये बात आपको पता होना चाहिए, जैसा कि नाम ही से दिख रहा है, मिशन चंद्रयान 3 ये भारत के लिए चंद्रमा का तीसरा मिशन है। पहला दोस्तों याद रखना 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, दूसरा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, तीसरा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। पहला सफल रहा था, लेकिन दूसरा असफल रहा था, और तीसरा दोस्तों अभी हाल ही में पहुंचाया गया है। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो याद रखना, साइंस ऑफ द मून मिशन चंद्रयान 3 की थीम है। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। अगर आपसे रोवर का नाम पूछे तो प्रज्ञान है। और कितने थ्राटल सक्षम इंजन है इसमें? तो याद रखना 4 थ्राटल सक्षम इंजन है। याद रखना दोस्तों, अगर मिशन चंद्रयान 3 सफल होता है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। कौन सा देश बन जाएगा? दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ये बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों हमारे भारत के लिए। नेक्स्ट है, इसरो ने दोस्तों याद रखना चंद्रयान 3 मिशन के तहत कौन से उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, ये चंद्रयान 3 मिशन के 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों याद रखना, इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। ये फैक्ट याद रखना है। एक लूनार दिन धरती के कितने दिन के बराबर होता है? 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकलना चाहिए। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है और चांद पर सूरज याद रखना 14-15 दिन ही निकलता है। बाकी 14-15 दिन तक सूरज चांद पर नहीं निकलता है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 में दोस्तों याद रखना लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के कितने मॉड्यूल है? तो 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को आने भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाता है और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो रोवर की होती है। ठीक है, लैंडर मॉड्यूल की होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रोवर की बात करते हैं। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा होता है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरता है और फिर मूवमेंट जारी कर धरती पर जानकारी जुटाकर भेजता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों ये मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। क्लास कैसी लगी? यदि क्लास पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।